अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेशमी जमाल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीलॉग में मैं आपसे बात करूंगी दो इश्यूज के हवाले से। एक तो अरशद शरीफ शहीद का कत्ल, उसकी इन्वेस्टिगेशन का मामला कहाँ तक पहुंचा है। एक तो केनियन टीवी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, कुछ उसके हवाले से बात करेंगे। अक्वामे मुत्तहिदा क्या का एक ऐसा स्पेशल ग्रुप जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को देखता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या मर्डर्स को देखता है, या किसी भी इस तरह की और एक्टिविटी को देखता है, उनकी तरफ से एक खत है जो 5 अक्टूबर को लिखा गया था पाकिस्तानी और केनिया की हुकूमत को। ये दो इश्यूज हैं, एक ये इशू है जिस पर बात करूंगी, और दूसरा फलस्तीन। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, गजा पट्टी में जो कुछ जो बर्बरियत का सिलसिला जारी है इसराइल की तरफ से, कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से बात करें तो अक्वामे मुत्तहिदा की जो मैंने आपको बताया कि स्पेशल एक ग्रुप है, उनकी तरफ से 5 अक्टूबर को एक खत लिखा गया था जिसकी कॉपी दोनों पाकिस्तानी और केनियन गवर्नमेंट को भेजी गई थी। उसके अंदर अरशद शरीफ शहीद साहब का जो पूरा एक बैकग्राउंड है तारीखों के साथ, पहले तो वो दिया गया है कि क्या इश्यूज थे उनके ऊपर, उनके पाकिस्तान से जाने से पहले क्या मामला थे, जो लीगल कोई FIR या केसेस थे वो क्या थे, वो पाकिस्तान से कब गए, जब गए तो कहाँ गए, जहां जहां गए कैसे गए, वो पूरा टाइमलाइन के साथ एक पूरा जो बैकग्राउंड है वो दिया गया है। फिर उनकी उनके मर्डर के बाद की जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी कुछ सवालात भी उठाए, और एक टाइमलाइन भी जो है वो हमने देखी है दी गई है। उसके बाद ये कहा गया कि अगर तो इस खत का खातिर खा जवाब ना दिया गया 60 दिन के अंदर, तो फिर हम इस खत को पब्लिक कर देंगे। तो उस खत का पब्लिक हो जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि दोनों ममालिक की हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा तसली बख्श जवाब जो है वो अकवामे मुत्तहिदा को जो है वो जो ये मांगा गया वो नहीं दिया जा सका। अच्छा, अगर हम बात करें कि खत के अंदर जो डिटेल्स हैं वो क्या, जैसे मैंने कहा कि एक तो डिटेल्स दी गई है पूरी टाइमलाइन के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ सवालात पूछे गए हैं। ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, अगर है तो किन किन लोगों से बात की है, किन किन लोगों को शामिल तफ्तीश किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मसले को किस तरीके से टेकअप किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज के ऊपर है, वो तमाम तर तफसीलात जो है वो हमें चाहिए, वो हमें प्रोवाइड की जाए। और अगर ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन इन प्लेस नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो फिर उसकी वजूहत भी बताई जाए कि अभी तक कोई भी तफसीली इन्वेस्टिगेशन इस मसले के अंदर जो है वो क्यों नहीं हुई है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो लीगल चार्जेस थे अरशद शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान जाने से पहले, जो कुछ पर्चों की भी बात थी, अच्छा ये भी मेंशन किया गया कैटेगोरिकली उनको कि उनको डेथ थ्रेट्स थी, क्या उस चीज को भी इन्वेस्टिगेट किया गया है कि वो थ्रेट्स कहाँ से थी, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया। जो लीगल मामला थे कि उनके ऊपर क्या लीगल केसेस थे, कौन से पर्चे थे, वो क्यों थे, क्या थे, उसकी तफसीलात भी जो है वो उन्होंने कहा कि ये हमें चाहिए, हमें फराहम की जाए कि उनके ऊपर क्या लीगल चार्जेस थे, हम जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अच्छा, उनकी शहादत के बाद उनके खानदान को बहुत सारे एस्पेक्ट से बहुत सारी ट्रोलिंग का स्मेयर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, बिलखसूस उनकी अहलिया जवेरिया जवेरिया सदीक को खासी हरासमेंट का सामना करना पड़ा। मेरी बहन है, मेरी बहुत प्यारा ताल्लुक है उनके साथ, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत टफ टाइम फेस किया, और वैसे अदरवाइज भी जिस तरीके से उनको मैं कहूंगी हरासा किया जाता रहा बहुत सारी चीजों के ऊपर, खास तौर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो वो आवाज उठाती रही उसको लेकर, तो उसके ऊपर भी कहा गया है कि ये जो स्मेयर कैंपेन चलाई गई उनके खिलाफ, क्या इसको इन्वेस्टिगेट किया गया है कि क्यों चली, किसने चलाई, क्या किसी किस्म की कोई उनको इस मामले के अंदर जो है वो सहूलत जो है वो प्रोवाइड की गई है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल या कोई भी और मैकेनिज्म्स, यानी इंतजामी अदालती अदलिया के हवाले से कोई भी ऐसे मैकेनिज्म्स बताए जाएं जो कि उनकी फैमिली तक जिनको एक्सेस दिया गया हो, फैमिली को जिन तक, ताकि वो इस केस को परस्यू कर सकें और अपने लिए इंसाफ की तलाशी तलाश जो है उसको जारी रख सकें, अरशद साहब के कातिलों को जो है वो कैफर किरदार तक पहुंचाने की स्ट्रगल को जारी रख सकें, तो वो मैकेनिज्म्स क्या हैं वो भी आइडेंटिफाई किए जाएं और वो हमें हम तक जो है पहुंचाए जाएं। और साथ साथ ये भी जो है उस खत के अंदर कहा गया है कि आफ्टर वॉट हैज हैपन्ड अरशद शरीफ शहीद के पूरे केस के अंदर, उसके बाद क्या पाकिस्तान के अंदर जो बाकी सहाफी काम कर रहे हैं वो अपनी आजादी सहाफत को मेंटेन करते हुए काम कर सकते हैं, और ह्यूमन राइट्स के पैरामीटर्स के ऊपर क्या पूरा उतरता है, क्या जो यहाँ का माहौल है सहाफियों के लिए उसके लिए अगर कुछ किया गया है, या क्या कुछ पहले से इन प्लेस है, वो भी जो तफसीलात हैं वो कहा गया है खत के अंदर कि वो हमें चाहिए, हमें दरकार है, वो हम तक पहुंचाई जाए। तो ये जो है कुछ मामलात हैं जो उन कल से जुड़े जुड़े हैं। केनियन टीवी के ऊपर NTV जो है वो केनिया का एक टीवी है NTV, और वहां पर जो है वो एक रिपोर्ट चलाई गई है, डॉक्यूमेंट्री चलाई गई है किल्ड ऑन द रन जो है उनके नाम से, ब्रायन ओबिया
जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और जो क्रक्स है उस डॉक्यूमेंट्री का वो यही है कि उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि अरशद शरीफ जो है उनका कत्ल किया गया था, इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। अच्छा, उन्होंने उसके अंदर ये सवाल भी उठाया कि मैं सिर्फ ये डिटर्मिन नहीं कर सका कि क्या उनको उसी गाड़ी के अंदर कत्ल किया गया या फिर कत्ल करने के बाद उस गाड़ी के अंदर प्लेस किया गया। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो चली है उनके नेशनल टीवी के ऊपर, और जो मैंने देखा है कि उन्होंने यही कहा कि जी वो जो तफसीलात है वो सामने आ गई, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जो है वो सेटबैक हुआ केन्या और पाकिस्तान के दरमियान उस मर्डर के बाद, लेकिन हम इस बात को सेफली कह सकते हैं कि हुआ कत्ल ही है, उनका कोई हादसाती मौत जो है वो नहीं थी। अच्छा, एक ऐसा टेस्ट केस बन गया अरशद शरीफ शहीद का कत्ल इस मुल्क के अंदर सहाफियों की हिफाजत और आजादी के हवाले से, कि जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे मेरा ख्याल है कि आने रहते वक्त तक ये एक सवाल है जो हमसे किया जाता रहेगा। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन को ना सिर्फ स्पीड अप करना पड़ेगा बल्कि इंसाफ होता हुआ इसके अंदर दिखाना भी पड़ेगा, नजर भी आना पड़ेगा, वरना इंटरनेशनली जो हमारा इमेज है उसके साथ फिर जो कुछ होगा, ये सवाल जो आए हैं फिर इस तरह के सवाल आने का सिलसिला जो है वो रुकेगा नहीं। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज के हवाले से या इमेजेस के हवाले से, तो दुनिया भर में मेरा ख्याल है किसी को भी अपने इमेज की फिक्र नहीं है। मैं अपनी दूसरी स्टोरी के हवाले से बात करी हूँ, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, आज 55 रोज हो गए हैं फलस्तीन के अंदर जो कत्लेआम का सिलसिला है मासूम फलस्तीनियों का इसराइल की तरफ से वो जारी है। मैं हमेशा कहती हूँ दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंग रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि दुनिया का हर मुल्क भले इस्लामिक है भले वेस्टर्न है वो सब कंप्लिसिट है ये जो कत्ले आम हो रहा है जिस तरीके से वहां पे लोगों को जिबा किया जा रहा है उसके अंदर। लेकिन फलस्तीनियों के हौसले बुलंद है, हमास जो है उसका जो फाइटिंग विल है वो अपनी जगह पर मौजूद है, वो उससे उस पर डटे हुए हैं, वो उस पर पीछे नहीं हट रहे। इसराइली बंदरगाह के ऊपर जो है वो रॉकेट हमला करके बड़ा जानी माली नुकसान जो है वहां पर किया गया है हमास की तरफ से। अच्छा, एक वीडियो भी रिलीज की है हमास ने इजरायली अफवाज की, और उसके साथ पैगाम भी अटैच करके दिया है जी कि हम आपको देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं। तो अगर अगर आप हमारी तरफ पेशकदमी करने की कोशिश करेंगे तो हम आपसे बहुत करीब हैं, हम ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे आपको समझ भी नहीं आएगा। जिसके जवाब में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि इसराइल पूरी तैयारी कर चुका है, और जो सुरंगे हैं या अंडरग्राउंड कोई भी नेटवर्क है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हमास इस्तेमाल कर रहा है, तो ये फैसला किया गया है कि उसके अंदर तेज दबाव बहाव से पानी बहाया जाएगा ताकि हमास को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है, लेकिन हमास जो है वो अपनी कार्रवाइयां हम देख रहे हैं कि कर रहा है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जो किया गया, इंकशाफ किया गया, मैं दावा नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत से जो अमरीकी स्टेट इमेजरी के तजिया कार हैं वो भी और जो अदरवाइज भी जो कुछ हुकाम है अमरीकी वो इस बात से अभी मुत्तफिक हैं कि इसराइल के पास जौहरी ताकत है या वो उसको बनाने के करीब है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि हमास ने एक ऐसी जगह पर वस्ती इसराइल के अंदर अटैक किया है जो कि लोकेशन बड़ी हसास है, और वहां पर जौहरी हथियार मौजूद थे जिनको नुकसान पहुंचाने की हमास की तरफ से कोशिश की गई है। तो जहां इसराइल जो है वो छोटे बच्चों का, मासूम औरतों का, सिविलियंस का कत्लेआम करके उसका एतराफ कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये जो इंकशाफ हुआ इसके बाद भी किसी ने इसराइल को क्या ही पूछ लेना, लेकिन कम से कम ये बात खुलकर यहाँ होती जा रही है। इससे पहले भी इनके एक कल्चर मिनिस्टर थे जिन्होंने ये कहा था कि इट्स अबाउट टाइम दैट वी न्यूक गजा नाउ, और उस वक्त भी इस बात का बहुत शोर उठा था कि इस बात का मतलब ये है कि इसराइल एतराफ कर रहा है इस बात का कि उनके पास न्यूक्स हैं, जिसको बाद में कवर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी जो है वो सामने आई है जिसके अंदर ये बात बड़े वाजे तौर पर कही गई है कि उन्होंने जो है वो इस तरह का कोई अटैक किया है जो कि जौहरी जो वो है हथियार है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अच्छा, सेंट्रल गजा के अंदर एक एम्बुलेंस के ऊपर इसराइल की तरफ से शेलिंग की गई है, सदर्न जो लेबनान है वहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, खान यूनस के अंदर, जबालिया के अंदर एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो इसराइल की तरफ से की जा रही है। तो इसराइल जो है वो अपने मजमूम जो उनकी उनकी हरकतें हैं उससे वो अभी तक बाज नहीं आ रहा है। जो तादाद है शुहदा की वो कहाँ जा रही है, उसके अंदर बच्चों की कितनी बड़ी तादाद है, औरतों की कितनी बड़ी तादाद है, मैं ऑनेस्टली ये बात अभी तक समझने से कासिर हूँ कि ये मसला जो है वो कैसे रुकेगा और कहाँ जाकर रुकेगा। इंटरनेशनली रिएक्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रिएक्शंस तो बहुत आ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकली कितना फायदा हो रहा है जाहिर है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एटलीस्ट ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर हुकूमतों में ना सही लोगों के अंदर जो है वो इंसानियत बाकी है। लॉस एंजलिस के अंदर 50,000 लोग जो है वो बाहर निकले हैं और फलस्तीन और गजा के हक में उन्होंने जो है वो मुजाहिरा किया है। न्यूयॉर्क के अंदर खुद यहूदियों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और वो एक एंटी इजरायली प्रोटेस्ट था जिसके अंदर इसराइल की मजम्मत की गई और कहा गया कि गजा में जो कुछ इसराइल कर रहा है उसकी हम हर तौर मजम्मत करते हैं। जो अमरीकी रियासत है वर्जीनिया वहां पर भी यहूदियों की इसराइल के खिलाफ मजम्मती रैली जो है वो निकाली गई और बहुत वहां पे उसमें बड़ी भरपूर नारेबाजी की गई इसराइल के खिलाफ और मजम्मत की गई। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है लाहौर में उनकी तरफ से एक इज्तिमा किया गया
इसराइल के हक में, तो दुनिया से आवाजें उठ रही हैं, हुकूमतें भी कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी बात कहीं कर रही है, लेकिन जाहिर है कोई खास सब्सटैंशियल बात नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो कम से कम इस सारे मसले के अंदर कंप्लिसिट नहीं है, मगर फिर भी फर्क कोई नहीं पड़ा। आई रियली होप कि किसी किस्म का कोई सीज फायर या कोई जंग बंदी का मुस्तकिल मुआयदा जो है वो किया जा सके, मगर उसके साथ साथ गजा के लोगों का जो दीरीना मसला है उस मसले को हल किया जा सके, वो अपना एक राइटफुल जो उनका हक है वो मांग रहे हैं, उनको उनका वो हक जो है वो दे दिया जाए, तो ये मसला उसके बाद खत्म होगा और ये बात जो है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि ये मसला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया है, ये आर होगा या पार होगा, इसके अलावा कोई और चॉइस जो है वो नजर नहीं आती। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, अगर आपको ये कॉन्टेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कॉन्टेंट को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।